कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने शनिवार यानी आज चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान हार्दिक पटेल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की बयानबाजी पर कहा कि वे अब कुछ भी बोलते रहे, हमें उनकी परवाह नहीं करना। वही कैप्टन पहले सोनिया गांधी को नेता कहते थे और अब नरेंद्र मोदी को कहते हैं। वहीं पटेल ने सीएम चन्नी के खिलाफ मीटू के सवाल पर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बोल रहे हैं उन्हें, क्योंकि अब सीएम नहीं है। जब वे 4.5 साल पहले सीएम थे तब क्यों नहीं बोले? आरोप लगने पर चन्नी ने मीटू मामले में माफी मांग ली है। वहीं कांग्रेस के किसी नेता से कोई गलती हुई तो माफी मांगते हैं, हकीकत से जुड़ा नहीं होते। वहीं कांग्रेस के पंजाब विधानसभा चुनाव स्टार प्रचारकों में मनीष तिवारी का नाम शामिल होने पर हार्दिक पटेल ने कहा कि वे हमारे बड़े नेता हैं और उनकी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर रखी गई है। उत्तराखंड में सिद्धू का नाम नहीं आया है, वही क्योंकि पंजाब में उनको जिम्मेदारी दी गई है, यह पार्टी की रणनीति नहीं होती। हार्दिक पटेल ने कहा कि देश में बेरोजगारी का कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है? भगवान राम के श्राप के कारण बेरोजगारी नहीं बढ़ी बल्कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण बढ़ी है। वहीं कांग्रेस देश के नौजवानों के लिए लगातार आंदोलन छेड़ती है। भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति करती है, वहीं कांग्रेस शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। वहीं भाजपा ने UGC का बजट 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 4,000 करोड़ कर दिया है। वहीं भाजपा नहीं चाहती कि नौजवान पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं गुजरात से हूँ, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह के 3 काम हैं, झूठ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और बार बार बोलेंगे ताकि झूठ को सच का पायजामा पहनाया जा सके। वहीं गुजरात मॉडल में 1 साल में गंदी घटनाएं घटी थी, उस पर एक भी मंत्री नहीं बोले। कांग्रेस शासित राज्यों में घटनाएं होती है तो सोनिया गांधी पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहती है, परंतु भाजपा कभी कुछ नहीं कहती। हार्दिक पटेल ने कहा कि पंजाब में जो भी चेहरा होगा उस पर सब लोग साथ होकर खड़े लड़ेंगे। कांग्रेस के अंदर बात रखने का अधिकार सबको दिया गया है। वहीं कांग्रेस के नौजवानों पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। आंदोलन करने पर लाठी चार्ज किया होता तो आज अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच न जाते, वहीं 2011 में ही उठवा लेते उन लोगों को। हमने लोकतंत्र को माना है, ऐसा इनका कहना है।